good morning children welcome to BBPS e-learning class children this is your math period we are going to continue chapter 10 today start your exercise class assignment 10b children this exercise fill in your book okay now open your book page number one hundred eighty-six. And fill in your book. Okay? Class assignment 10B. Yes, children. Start your exercise class assignment 10B. This exercise you are fill in book. Okay? Now, proper date mention. Three, 2, 21 Okay? Now, start your exercise class assignment 10B. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हाउ मैनी पॉइंट्स हैव बीन मार्क्ड इन द गिवेन फिगर नेम दे चिल्ड्रेन सी दिस फिगर केयरफुली ओके हाउ मैनी पॉइंट्स यस्टरडे आई एक्सप्लेन पॉइंट्स को कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था नाउ फाइंड आउट हाउ मैनी पॉइंट्स ओके सो

तो फर्स्ट पॉइंट ए सेकेंड पॉइंट बी थर्ड पॉइंट सी फोर्थ पॉइंट डी फिफ्थ पॉइंट पी सिक्स पॉइंट एस सेवेन पॉइंट आर एट पॉइंट क्यू ओके टोटल एट पॉइंट्स कंप्लीट नाउ टू नंबर क्वेश्चन राइट द नेम ऑफ फ्रेज़ लाइन एंड लाइन सेगमेंट इन कीिस फिगर केयरफुली इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है रेस लाइन एंड लाइन सेगमेंट ओके सो चिल्ड्रेन फर्स्ट यू आर फाइंड आउट लाइन दिस फिगर इज इंटरसेक्टिंग लाइन सारी लाइन से हमारी एक पॉइंट पे मिल रही हैं दिस इज ओ पॉइंट ओके पॉइंट ऑफ ओ इंटरसेक्टिंग ओके एंड फर्स्ट फाइंड आउट लाइन लाइन में हम लोग ने कल ये कहता है ना बोथ साइड एंडलेस होता है सो फाइंड आउट ये पी एंड क्यू बोथ साइड एंड एरो इंडिकेट कर रहे ना यानी एक्सटेंड हो रही है बोथ साइड इसका एंडलेस डिफनाइट पॉइंट कोई है ही नहीं ओके सो दिस इज लाइन पी क्यू ओके लाइन को हम लोग कैसे लिखते हैं पी क्यू एंड बोथ साइड एक्सटेंड हो रही है तो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ओके अब सेकेंड लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट के लिए हम लोग O से देखिए हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है ओ से हमारी जो लाइन सेगमेंट है वो फर्स्ट ओ आर ओके ओ एल एंड एम फर्स्ट पॉइंट लाइन के लिए टू पॉइंट्स होते हैं ना डिफनेट पॉइंट होते हैं इसमें तो ओ एक पॉइंट एंड एक पॉइंट एम यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे फिनिश हो रही है दिस इज लाइन सेगमेंट ओके एंड ओ से एल ओ से स्टार्ट होके एल पे फिनिश हो, okay, okay? हो रही है टू पॉइंट्स हैं यहाँ से स्टार्ट होके एंड यहाँ फिनिश दिस इज लाइन सेगमेंट ओके ओ एल एंड थर्ड ओ आर ओ से स्टार्ट हो रही है आर पे फिनिश हो रही है इन दिस फिगर थ्री लाइन सेगमेंट फर्स्ट ओ एम सेकंड ओ एल एंड थर्ड ओ आर क्लियर लाइन सेगमेंट को हम लोग एक सिंपल लाइन से शो करते हैं और लाइन में हम लोग बोथ साइड एरो शो करते हैं क्योंकि लाइन तो इधर भी एक्सटेंड हो रही है और इधर भी कोई एंडलेस डिफाइन पॉइंट नहीं है ओके थर्ड रेज रेस में क्या होता है वन पॉइंट से स्टार्ट होके सेकंड वाला पॉइंट एंड वाला पॉइंट जो वो होता है एक्सटेंड होता है ना सो फर्स्ट ओ एस देखिए ओ से स्टार्ट हो रहा एंड एस हमारा एक्सटेंड हो, okay? हो रहा है दिस इज रेस ओके सेकेंड ओ पी ओ से पी ओ से स्टार्ट हो रहा है पी एक्सटेंड हो रहा थर्ड ओ के से स्टार्ट हो रहा है के से आगे एक्सटेंड हो रहा है सो दिस इज रे नाउ फोर्थ ओ एन ओ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है एंड पे एक्सटेंड हो रहा है ना एंड फिफ्थ ओ क्यू दिस इज रे ओ से स्टार्ट होके क्यू के, Q, के भी एक्सटेंड हो रहा है so, सो दिस इज रे क्लियर इस फिगर में आपको थ्री चीज फाइंड आउट करनी थी फर्स्ट रेस सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन सेगमेंट क्लियर एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग स्टूडेंट राइट रीड द क्वेश्चन एंड राइट द आंसर रे हैज हाउ मैनी एंड पॉइंट्स रेस में एंड पॉइंट हाउ मैनीड्स पॉइंट कितने एंड पॉइंट होते हैं ओनली वन ओके रेस में एक पॉइंट स्टार्ट होता है एंडलेस वाला कोई पॉइंट ही नहीं होता सो वन पॉइंट होता है अ लाइन हैज़ हाउ मैनी एंड पॉइंट लाइन में नो एंड पॉइंट्स क्योंकि दोनों साइड एक्सटेंड होती है तो नो एंड पॉइंट इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता रेस में एक एंड पॉइंट के आगे भी एक्सटेंड होती है तो वन पॉइंट एंड लाइन में बोथ साइड एक्सटेंड होती रहती है तो नो एंड पॉइंट थर्ड टू लाइंस कैन मीट एट हाउ मैनी पॉइंट्स टू लाइंस किस पॉइंट पे मिलती है वन पॉइंट पे ओके राइट वन डी नंबर द पॉइंट वेयर टू लाइन मीट इज जहाँ पे टू लाइंस मिलती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटर सेक्शन ओके ई नंबर लाइन सेगमेंट हाउ पॉइंट्स? लाइन सेगमेंट्स में कितने पॉइंट्स होते हैं टू ओके एंड पॉइंट टू पॉइंट्स होते हैं क्लियर चिल्ड्रन वन टू थ्री क्वेश्चन वन में आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है टू में आपको रेज लाइन लाइन सेगमेंट फाइंड आउट करके शो करना है एंड थर्ड नंबर में आपको आंसर्स बताने हैं चिल्ड्रेन दिस एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट एवरी वन फिल इन बुक प्रॉपरली ओके थैंक यू